नमस्कार दोस्तों, अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड फ्री ट्रेन इस साल के अंत तक शुरू हो सकती है। इंडियन रेलवे की पहली सेमी हाई स्पीड फ्री ट्रेन का नाम गति शक्ति होगा। तो आगे इस वीडियो में हम गति शक्ति प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। रेलवे के ऑफिशियल ने कहा है कि सेमी हाई स्पीड मालगाड़ी दिसंबर तक रेलवे ट्रैक पर आ सकती है। आप सबको वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो पता ही होगा, तो इस प्रोजेक्ट पर भी काम वंदे भारत ट्रेन के कंसेप्ट पर ही किया जा रहा है। गति शक्ति फ्री ट्रेन भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है। इस फ्री ट्रेन को भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ISF चेन्नई में तैयार किया जा रहा है। रेलवेज ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना में तेजी लाने के लिए खुर्दा, बिलासपुर, दिल्ली और बेंगलुरु डिवीजन के साथ रेलवे बोर्ड में एक अलग से निदेशालय बनाया गया है, जो सिर्फ गति शक्ति प्रोजेक्ट के काम पर ही फोकस करेगी। इन ट्रेन के डिजाइन पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और इनमें लगने वाले मटेरियल का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। दिसंबर के आखिरी तक दो ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो जाएगी। ICF के जनरल मैनेजर ने अभी कहा है कि इंडियन रेलवे का टारगेट ऐसी 25 सेमी हाई स्पीड फ्री ट्रेन को ट्रैक पर लाना है। इन ट्रेन्स के परफॉर्मेंस के ऊपर आगे जाकर और भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अगर इनका परफॉर्मेंस मार्केट पे अच्छा रहा तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा सकती है। ऑफिशियल ने कहा कि रेलवेज ने इन ट्रेनों को ई कॉमर्स, कॉरियर और पार्सल सेगमेंट को टारगेट करने के लिए बनाया है। ई कॉमर्स हो या फिर पार्सल पहुंचाना हो, इसमें टाइम की बहुत अहमियत होती है और ये फिर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से चल सकती है, जिससे कि टाइम बचेगा। हर ट्रेन के शुरू में और आखिर में रेफ्रिजरेटेड वैगन्स भी होंगे, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, फ्रूट और सब्जियों को ले जाया जाएगा। इन वैगन्स में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कोचेस से कराया जाएगा। बाकी डिब्बों में कंटेनर को चढ़ाने और उतारने के लिए रोलर्स होंगे। हर कोचेज में कंटेनर्स की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए दो चौड़े दरवाजे होंगे। इंडियन ब्रांड सिक्योरिटी फाउंडेशन के मुताबिक 2020 में 50 बिलियन $ का कारोबार हुआ था। इसके साथ भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट बन गया है। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट 2025 तक 111 बिलियन $, 2026 तक 200 बिलियन $ और 2030 तक 350 बिलियन $ पहुंचने का अनुमान है। इंडियन रेलवेज ने कहा है कि उनका लक्ष्य डेडिकेटेड हाई स्पीड फ्री ट्रेन के द्वारा छोटे साइज के पार्सल शिपमेंट्स का मार्केट कैप्चर करना है। नेशनल रेल प्लान के अनुसार अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स के साथ 2030 तक फ्री ट्रांसपोर्टेशन का शेयर 45% तक बढ़ाना है, जो अभी सिर्फ 27% ही है। इंडियन रेलवेज ने देश भर में 74 नई गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल लोकेशन की पहचान भी कर ली है, जिनमें 20 लोकेशन साउथ इंडिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी गति शक्ति पॉलिसी के अंतर्गत देखी गई है। रेल कार्गोस को संभालने के लिए एडिशनल टर्मिनल्स के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये नीति 2021 में शुरू की गई थी।